ट्यूटोरियल्स के टॉप रैंकर से आज हमारी बातचीत हो रही है। और देखिए जीआरएस ट्यूटोरियल्स के बारे में जैसे हमने बताया कि वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट रहा है, और ईस्टर्न स्टेट्स की अगर मैं बात करूं, ना सिर्फ यूपी बल्कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहां के बच्चे भी जीआरएस ट्यूटोरियल्स में तैयारी करते हैं। और ऐसे ही इसे लीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं कहा जाता, ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट रहा है, और इतने सारे बच्चे लगातार रैंक्स अच्छी लेकर आते रहे और अच्छी अच्छी जगह पर आज प्लेस्ड हैं। तो टॉप रैंकर्स की जैसे मैंने कहा कि आज सिलसिला जारी है टॉप रैंकर से बातचीत करने का, तो एक और टॉप रैंकर फ्रॉम जीआरएस ट्यूटोरियल्स हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अरकम। सही प्रोनाउंस किया ना मैंने? पहले आपको पहले बहुत 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 बधाई हो, आप इतनी अच्छी रैंक लेकर आए। इनकी रैंक मैं आपको बता देती हूँ, इनकी ऑल ओवर इंडिया जो रैंक आई है वो है 598 जनरल कैटेगरी में, और 143 इनकी कैटेगरी वाइज रैंक है, और मार्क्स इनके 685। तो अभी ये बताइए कि ये जो रैंक आई है, क्या इसके लिए आप प्रिपेयर्ड थे? आपने ऐसा सोच के रखा था कि इतनी तो रैंक मेरी आनी है? या फिर यस मैम, जब मैंने 11th में जेआरएस ज्वाइन किया था तो मेरे मार्क्स काफी कम आते थे, जैसे फिजिक्स में भी काफी कम आते थे, लेकिन फिर झा सर ने जब क्लास लेना चालू किया तो उन्होंने इतने अच्छे से कंसेप्ट को समझाया कि मेरे फिजिक्स में और सब्जेक्ट में भी मार्क्स बढ़ते गए, और 12th के एंड तक मेरे 690 के अराउंड मार्क्स आने लगे थे। तो मुझे ऐसा था कि हाँ अच्छे मार्क्स आएंगे, इसके अराउंड मार्क्स आएंगे, तो उतने आए भी, एक्सपेक्टेशन तो था ही, इतना अच्छे से पढ़ाया था सर लोग ने, मतलब वो एक्सपेक्टेड था कि इतना तो आ जाएंगे। अच्छा, जैसे ये जो ओवरऑल आपकी पूरी तैयारी रही है, जिसमें मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि जीआरएस ट्यूटोरियल्स का कितना, ऑब्वियसली बात है, बहुत बड़ा योगदान रहा है कि आपने जैसे कहा कि आपके मार्क्स कम आते थे 11th में, देन उसके बाद आपने ज्वाइन किया और उसके बाद से धीरे धीरे करके आपका स्कोर अच्छा होता गया। तो पूरी तैयारी के बारे में हमें बताइए आपकी, किस तरीके से जीआरएस ने आपकी पूरी तैयारी कराई है इस रैंक को लाने में? तो जैसे 11th में ज्वाइन किया था तो कोरोना का टाइम भी चल रहा था, तो लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर भी आते थे और लाइव क्लास भी होता था, तो जो भी कंसेप्ट में अगर डाउट भी है तो उन सर से बोल देते थे, तो वो डायरेक्ट क्लास ले लेते हम लोग का लाइव, और एकदम अच्छे से क्लियर कर देते कंसेप्ट को। फिर उसके हिसाब से टेस्ट भी होता था जेआरएस का, तो वो मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रहा, उसमें मेरे मार्क्स धीरे धीरे बढ़ते गए, और एकदम एनसीईआरटी के पैटर्न, नीट में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी पैटर्न के आते थे क्वेश्चन, तो उससे बहुत मदद मिली। फिर धीरे धीरे मार्क्स बढ़ता गया, और कोई भी किसी में भी डाउट होता था तो आप डायरेक्ट पूछ सकते थे सर लोग से, तो एकदम उसी वक्त रिस्पांस मिलता था। जैसे कोविड की हम लोग बात कर रहे हैं कि कोविड के टाइम वो कितना टफ टाइम था, उस टाइम पर जैसे लगता था कि अभी कैसे पढ़ाई होगी, क्या होगा, तो उस टाइम पर जैसे आपने कहा कि जीआरएस ने आपकी बहुत हेल्प की उस टाइम, क्योंकि उसी वक्त से ही कोविड आ गया था, तो उस टाइम का थोड़ा सा हमसे आप चाहे कुछ स्टोरी शेयर करना चाहें कि कैसे उस, कितना टफ था उस वक्त पढ़ाई करना। तो जैसे 11th में जब ज्वाइन हुआ था मैं, तो उस वक्त तो सोचता था कि अब तो ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन कितना अच्छा होगा नहीं होगा, लेकिन जब लाइव लेक्चर आने लगे और रिकॉर्डेड लेक्चर आने लगे तब मुझे पता चला कि हाँ बहुत अच्छा है, और किसी भी कोई भी डाउट होता था तो फौरन क्लियर हो जाता था, डाउट सेशंस भी होते थे, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर भी आते थे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, धीरे धीरे मैं मार्क्स भी बढ़ते गए, और फिर ऑफलाइन क्लास भी चालू हो गया था, तो ऑफलाइन क्लास में भी और अच्छे से समझ में आने लगा, लाइव इंटरेक्शन भी होता था फिर तो सर लोग से, तो उससे तो बहुत मदद मिला, और हर वक्त हर हफ्ते तो टेस्ट होते ही था, अलग से चैप्टर का, हर चैप्टर के टेस्ट होते थे, हर सब्जेक्ट के कम्बाइंड टेस्ट, सारे टेस्ट। तो अच्छा, जैसे अभी जब मैं आर्यन से भी बात कर रही थी तो आर्यन ने भी बोला कि कभी भी कोई भी डाउट होता था, किसी भी टाइम लगे कि यार मतलब समझ नहीं आ रही चीजें, तो उस वक्त आपके लिए जीआरएस रहता था। हाँ। तो उस पर क्या कहेंगे आप? तो वो ये तो सच बात है, कभी रात में भी अगर से 1 बजे 2 बजे भी अगर से आपको डाउट पूछना है तो पूछ सकते थे, और रिस्पॉन्स भी उसी वक्त मिलता था, बहुत क्विक रिस्पॉन्स रहता था, और कोई भी किसी भी टॉपिक में अगर बाहर का भी कोई क्वेश्चन है, टेस्ट का नहीं है, कहीं भी है या कुछ एक्सप्लेन करना है, वो कॉल पे भी बात कर सकते थे, तो उससे तो बहुत मदद मिली। ये अपने आप में बड़ी बात है कि अगर आपको किसी भी वक्त डाउट है और आपको हेल्प करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन पहले से मौजूद है जो कभी भी आपकी हेल्प कर रहा है, 2 बजे रात आपने कहा कि 2 बजे रात भी अगर कोई डाउट आ जा रहा है तो अगर आपका टीचर आपको आंसर दे रहा है तो ये बहुत बड़ी चीज हो गई। तो अभी मैं चाहूंगी कि जैसे आपने से मैंने पूछा, अभी बार भी मैं पूछ रही थी कि घर में कोई डॉक्टर है या फिर आपने ऐसे प्लान किया था शुरू से कि मेरे को डॉक्टर बनना है, किसी को देख के इंस्पिरेशन मिली है या फिर? यस मैम, घर में तो काफी डॉक्टर है, मेरे चाची डॉक्टर है और मेरे भैया भी जीआरएस से ही पढ़े हैं, उन्होंने भी जीआरएस से निकाला था। अच्छा। हाँ, तो वो तो अपने आप ही आपको वैसे ही क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया था, जीआरएस काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, और भी कई लोगों से इंस्पिरेशन मिली थी, मेरे चाची भी डॉक्टर है तो उनसे भी इंस्पिरेशन था, लोग
डॉक्टर बनना है, लोगों का मदद करना है, इसीलिए मेरा था कि हमेशा से डॉक्टर ही बनना था मुझे। अच्छा, नोट्स की भी हम लोग बात कर रहे थे कि नोट्स जो है, जो झासर की नोट्स होती हैं वो बहुत मददगार रही हैं पूरी तैयारी में, तो उसके बारे में कुछ बताइए। झासर का नोट्स बहुत अच्छा रहा है, उनके नोट से ही काफी क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन उनके नोट से एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो उससे तो काफी मदद मिली। और वो इतने अच्छे से कंसेप्ट को समझाते हैं और लिखाते हैं कि वो एक बार आप पढ़ लीजिए तो उसको आप भूलेंगे नहीं। उसको रिवाइज भी मैं कई कई महीने रिवाइज नहीं करता था फिजिक्स, फिर भी मुझे याद था, अभी भी याद रहता। अरे वाह, मतलब वो नोट्स ऐसी है कि कहते हैं कंप्लीट पैकेज है ना, कंप्लीट कि अगर बार आपने पढ़ लिया तो फिर तो क्रैक कर पढ़ करना समझ लिया तो फिर तो याद रहता। तो कुछ टिप्स देना चाहोगे जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी करने के लिए एस्पिरेंट्स है, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप पहले बायोलॉजी में एनसीईआरटी पे फोकस करें, और कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बाहर से आते हैं वो आप अपने इंस्टीट्यूट और ऐसे जेआरएस है तो उसमें वो कवर हो जाता है, वो क्वेश्चन फिर बन जाते हैं। और सारे सब्जेक्ट में भी, केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी पे मेन फोकस रहता है, और सारे सब्जेक्ट में भी, फिजिक्स में भी आप अपने इंस्टीट्यूट से प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करते रहना चाहिए, उससे भी काफी मदद मिलती है। चलो, बहुत सारी बेस्ट विशेस अर्कम तुमको, तुम्हारा नाम बड़ा यूनिक है और रैंक भी तुम्हारी काफी अच्छी आई है, यूनिक आई है। आई एम श्योर कि तुम आने वाले टाइम में बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे और हम तुम्हें डॉक्टर अर्कम बुलाएंगे, है ना। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू।